बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, डॉक्टर मोहम्मद हमजा इज हियर अगेन विद यू पीपल विद एन अमेजिंग सेशन ऑन हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स इन योर क्लिनिकल सेटअप और ड्यूरिंग योर ऑनलाइन कंसल्टेशन। काइंडली लेट मी क्लियर दैट माय वॉइस इज क्लियर और नॉट टू यू पीपल। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? वालेकुम सलाम जी सर, क्लियर है। ओके अच्छा, सब लोग ना ग्रुप में कोई एक बच्चा मैसेज कर दे कि जिन्होंने ज्वाइन करना है ना तो वो जल्दी से ज्वाइन कर ले, हम 1 से 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ओके आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा एक हट के टॉपिक है, हम कह सकते हैं यू कैन से इट्स स्किल सेशन, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे सेशन होते, इसलिए हमने इस सेशन का क्विज नहीं रखा, बट जो लोग फुल जो है हमारा सेशन अटेंड करेंगे जस्ट उन्हीं लोगों को हम लिंक सेंड करेंगे फॉर योर सर्टिफिकेट, ठीक है। आपने एंड तक ज्वाइन किए रखना है, एंड पर मैं जो है आपको एक लिंक सेंड करूंगा, वहां पर जाके आपने अपना करेक्ट नेम लिखना है और अपना फादर नेम और रिव्यूज देने हैं सेशन के, ठीक है। उसके बाद आपने जो है विद इन अ हाफ मिनट आपने जो है अपना मेल चेक कर लेना, आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा, और जिसको सर्टिफिकेट आ जाए उन्होंने जो है ग्रुप में पिक्चर भेज देनी है, फिर आप लोग जो है बाद में सेशन लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले नहीं, और ना ही ग्रुप में ये शेयर लिंक किया जाएगा, जस्ट लिंक इधर ही शेयर किया जाएगा, और जो ही हमारा सेशन एंड होगा उसके बाद वो लिंक ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा, आपने रजिस्टर उम्मीद है कि आपके पास होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, हमारा ये जो है टॉपिक स्टार्ट करने का मकसद, मेरा ये सेशन रखने का मकसद ये था बेसिकली कि लाइक अगर किसी के पास इनफ नॉलेज भी, हम कहते हैं ना हमारे पास इनफ नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, वो हमारे लिए काफी है हमारे ऑनलाइन सेटअप के लिए या हमारे क्लिनिकल सेटअप के लिए, इवन हमारे क्लाइंट्स के लिए। आई डोंट थिंक सो बट इट, ठीक है, कि ये वर्क नहीं करता कि जब तक आपके पास काउंसलिंग टेक्निक्स ही नहीं है, आपके पास काउंसलिंग स्किल्स ही नहीं है कि अपने क्लाइंट को समझाना कैसे है, ये जो मैं जी आपको डाइट चार्ट लिख के दे रहा हूँ इसको आपने फॉलो कैसे करना है। जब तक आपके पास काउंसलिंग स्किल्स नहीं होंगी, जब तक आप अपने क्लाइंट को टैकल नहीं कर सकोगे कि आपने जी ये चार्ट फॉलो करना है, वो कहेगा आपके सामने तो कहेगा जी मैं इसको फॉलो करूंगा, और घर जाके वो एक पेज जो है रख देगा अगर आपकी जो है उसको आप जो है कन्विंस ना कर पाए तो, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली इसके क्या नुकसान होते हैं, इसके हमें दो नुकसान होते हैं मेजर, इसके अब दो नुकसान ये होंगे, एक तो जो आपका क्लाइंट है वो आपके पास फॉलो अप पे अगेन नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरा इसका नुकसान ये होगा, अगर आप अपने क्लाइंट को कन्विंस ना कर पाए, उसकी काउंसलिंग ना कर पाए सही तरह से, तो वो क्या करेगा आपका डाइट प्लान जाके फेंक देगा, वो जो पेज आपका लेटर हेड होता है वो जाके रख देगा कहीं पर, उसको फॉलो बिल्कुल नहीं करेगा। फिर उसके जो जाहिर सी बात है हर कोई जब किसी डॉक्टर के पास या इवन डाइटिशियन के पास तो जो भी आते हैं वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वगैरह को बताते हैं ना जी हमने फलां डाइटिशियन से जो है डाइट प्लान लिया, फिर कुछ अरसे के बाद उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली उनसे पूछेंगे अच्छा जी आपने तो उस डाइटिशियन से डाइट प्लान लिया था, अब बताएं हमें तो आपके अंदर कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, आपकी डिजीज में आपकी ओबिसिटी तो कम नहीं हुई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके वेट हमें वैसा ही वैसा नजर आ रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, वो अपनी कहानी यहाँ पर नहीं बताएगा आपका क्लाइंट कि जी मैंने फॉलो नहीं किया आपका डाइट, मैंने उस डाइटिशियन का डाइट प्लान फॉलो नहीं किया था, मैंने तो आके वो घर घर पे रख दिया था, ठीक है। अपनी गलती कोई नहीं तस्लीम करता, बस अपने आप को तस्कीन देने के लिए वो क्या कहेगा कि जी वो तो डाइटिशियन अच्छे नहीं है, उन्होंने पता नहीं ये चीजें मुझे दे दी, ऐसा डाइट प्लान बना के दिया तो वो तो फॉलोएबल नहीं था, हम उसको कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं, हम फॉलो ही नहीं कर सकते। ऐसी कहानियां जो है वो सुनाएगा अपने फ्रेंड्स एंड फेलो को, अल्टीमेटली क्या होगा इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्टली वो अपने जो उसके फेलोज होंगे वो डिसहार्टेड हो जाएंगे, वो डाइटिशियन के पास इवन स्पेशली आपके पास तो फिर वो आएंगे ही नहीं ना, फिर वो कहेंगे जी अच्छा ये डाइटिशियन तो ऐसा है ऐसा ऐसा डाइट प्लान देता है, इतना एक्सपेंसिव डाइट प्लान देगा तो हम फॉलो कैसे करेंगे, इवन वो 3 4 अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स को भी नहीं आपके पास आने देगा। अब बताएं इसके इतने ज्यादा मेजर नुकसान आते हैं, जिसके पास इनफ नॉलेज भी है
अब काइंडली अपने माइक म्यूट कर दें, ठीक है, जिसके पास इनफ नॉलेज भी है, ठीक है, बट उसके अंदर काउंसलिंग स्किल्स नहीं है, काउंसलिंग टेक्निक्स नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि वो आपका डाइट प्लान फॉलो भी नहीं करेगा और तीन चार और लोगों को भी मना करेगा आपके पास डाइट चार्ट लेने से, ठीक है। तो इसलिए ये हमने सेशन रखा है कि आपके अंदर ये टेक्निक्स, ये स्किल्स आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। बेसिकली ये जो है बता रहा हूँ मैं, आपने इसको जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा तो वो आपने नोट डाउन कर लेने, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ आ रहा हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप जो है दरम्यान में भी हैंड रेज कर सकते हैं और अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं, या अगर आपने चैट में पूछना है तो चैट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जब हम किसी क्लाइंट की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उसके फोर जो है कंटेंट्स, हम जो एक काउंसलिंग सेशन होता है, ठीक है, एक क्लाइंट का हमारे साथ जो काउंसलिंग सेशन होता है, उसको हम फोर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसके कंटेंट्स को फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ, ये एक जनरल सी बात है और आपको सबको पता होनी चाहिए, ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड बात है। आपने भी ये फील किया होगा, जब कोई बंदा आपका नाम लेके आपको पुकारे, आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है, कोई बंदा आपका नाम, कोई दूसरा बंदा आपका नाम लेके आपको पुकारे, वो बंदा अच्छा फील करता है, अच्छा लगता है, एक नेचर है इंसान की। अल्टीमेटली क्या हो रहा होता है, जहां पर जब क्लाइंट की हमारे पास बात आती है, हम चलेंगे रिसेप्शन से लेके जब जहां से क्लाइंट ने अपनी वो जो लेटर हेड की वो जो पर्ची होती है वो ली, रिसेप्शन से लेके क्लाइंट को हमने दरवाजे के बाहर तक किस तरह से मीन के डील करना है इस जो ड्यूरेशन में। अब क्लाइंट फॉर एग्जांपल, क्लाइंट ने, जाहिर सी बात है हर हॉस्पिटल में रिसेप्शन होती है, वहां पर जहां से वो जो है फी पे करके पर्ची लेता है क्लाइंट अपनी ना, तो क्लाइंट ने रिसेप्शन से पर्ची ली, अल्टीमेटली आपने ऐसा करना है जब आप इंशाल्लाह अपने क्लिनिकल सेटअप में जाएंगे, आप वो जो बाहर रिसेप्शन पे बैठे होते हैं, आपने उनसे कहना है जो मेरा क्लाइंट आया ना, आपने उसकी जो पर्ची है ना उसको नहीं देनी, वो आके मुझे देनी है, आपने बस उसको कहना है आप अंदर चले जाएं 5 मिनट के बाद, ठीक है। तो वो जब आपके पास आ जाएगी, जाहिर सी बात है उस वो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वहां पर क्लाइंट का नाम पूछता है, उसका होम एड्रेस पूछता है, उसका ऑक्यूपेशन पूछता है, ये तीन चार चीजें जो होती है मैंडेटरी, वो हमारे पास पहले आ चुकी होती है, ठीक है, वो क्लिनिक पर हमारे पास। अल्टीमेटली ये होता है कि जो ही हमारा क्लाइंट डोर से एंटर होगा ना, फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट हमारे डोर से एंटर हुआ, हम उससे कहेंगे, उसका नाम लेके जो है बुलाएंगे उसको, अस्सलाम वालेकुम जैन साहब, कैसे हैं आप, आए बैठें, ठीक है, इस तरह से बोलना है, ऐसे नहीं बस मुंह फुला के बैठे रहो और क्लाइंट आपको देखे आप उसको देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और वो जी डरता डरता, वो पहले ही ऐसे लोग मीन के थोड़े कन्फ्यूज होते हैं, हर कोई कन्फ्यूज होता है जब हॉस्पिटल में जाए तो हर कोई कन्फ्यूज ही होता है, ठीक है, वो फिर जो है नहीं तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो डोर नॉक करके फिर आराम आराम से अंदर एंटर होते हैं, फिर ठहरे रहते हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं कुर्सी पर इतने मासूम बन के। ऐसा नहीं करना आपने, जब तक एक बात जहन में याद रखें, जब तक आप न्यूट्रिशनिस्ट, हम न्यूट्रिशनिस्ट अपने क्लाइंट को रिलैक्स नहीं करेंगे तब तक वो हमें सच बात नहीं बताएगा, ना ही वो अपनी डिजीज के बारे में सच बोलेगा, ना ही वो अपनी डाइट के बारे में सच बोलेगा। इसलिए हमने क्लाइंट के साथ एक अच्छे वे में, एक फ्रेंडली वे में रह के बात करनी होती है कि उनकी जी हमें एक फ्रेंडली माहौल बनाएं अपने क्लिनिकल सेटअप का, और इस ये क्लाइंट जो है मेरा मुझे सच सच बताए, ठीक है। अब ये भी नहीं करना कि क्लाइंट के साथ इतना फ्रैंक हो कि हंस हंस के बातें करनी है, ऐसा भी नहीं करना, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना कोई क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं सैड स्टोरी सुना रहते हैं, कोई सैड स्टोरी, कोई क्लाइंट या आपके पास उन्होंने सैड स्टोरी सुनाना शुरू की तो उधर से आप भी रोना शुरू कर दो, हाय नहीं मैं लुटी गई, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने। जाहिर सी बात है क्लाइंट आपको अपनी ही स्टोरीज, मैं एक्सपीरियंस बेस्ड बातें कर रहा हूँ, आपको हंसी तो आ रही होगी, और तो फिर ऐसा नहीं करना, जाहिर सी बात है आपने उनको तसल्ली देनी है, ऐसा नहीं करना उनके साथ रोना मतलब शुरू करवा दो ना उनके साथ, ठीक है, ना ही उनके साथ ज्यादा हंसना है, ना ही ज्यादा फ्रैंक होना है, ना ही ज्यादा फ्री होना है, ज्यादा का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो आपने होना ही होना है क्योंकि वो क्लाइंट से सच नहीं बुलवाना आपने, तो इस तरह से, और कोई परेशान है तो उसको आपने तसल्ली देनी है, ठीक है, तो इस तरह से है। अब क्लाइंट आपका एंटर हुआ तो आपने उसका नाम पुकारना है आपके पास, क्योंकि वो पर्ची रिसेप्शनिस्ट पहले आपको दे देगा या वो पर्ची आपके पास पहले आ चुकी होगी क्लिनिक में, तो आप कहेंगे अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, वो जो ही एंटर हो ना थोड़ा सा वो आगे आए तो आप कहें अस्सलाम वालेकुम जैन, अस्सलाम वालेकुम जैन साहब, आए बैठे क्या हाल है आपके, इस तरह से। फिर वो जब बैठ जाएगा थोड़ा वो रिलैक्स फील करेगा, अच्छा इसको मेरा नाम कैसे पता, उसको ये कहानी नहीं पता होगी कि रिसेप्शनिस्ट इसको पर्ची दे के गई है पहले या दे के गया है, ठीक है, उसको ये नहीं आइडिया होगा।
तो फिर वो फिर थोड़ा सा वो बंदा रिलैक्स, ज़्यादा अच्छा फील करता है, वो अच्छे अच्छे से आपको जो है आंसर करेगा, जो क्वेश्चन पूछोगे अच्छे से वो आंसर देगा और सच बोलेगा, वो अपनी बातें नहीं छुपाएगा, अपनी डाइट हिस्ट्री नहीं छुपाएगा आपसे। क्लाइंट आपके पास बैठ गया, वो थोड़ा रिलैक्स फील करना शुरू हो गया वो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है, आपने ऐसा भी नहीं करना कि क्लाइंट से कहना है मुझे बताएं आपका वेट कितना है, ऐसा नहीं पूछना आपने, ठीक है। आपको क्या पता कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आपके पास साथ वेट मशीन रखी होगी, ठीक है। पहले आपने सलाम दुआ कर लेने पे आप अपने पूछना है आपका घर किधर है, आप कहाँ से हैं, अच्छा, आप क्या जॉब करते हैं, इस तरह से ना, थोड़ा सा ये क्लाइंट की कंडीशन से भी लग रहा होता है। हर किसी से ये नहीं पूछना रहे कि आप जॉब क्या करते हो, ठीक है। आप पूछें, अब वो जो होती है ना आपके पास पर्ची, उस पर पहले से ही लिखा होता है, इनके थोड़ी सी लाइट वे में गुफ्तगू करने के बाद आपने कहना है अच्छा जी आए हम आपका वेट चेक कर लेते हैं। हमेशा अपने क्लिनिकल सेटअप में मैं और तुम का वर्ड नहीं यूज करना, आई एंड यू, ये दो वर्ड कभी ना यूज कीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली जब क्लाइंट हमारे पास आता है ना, ये न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी भी आ जाती है। मैं तो कहता हूँ कि ये हम ना बंदे की साइकी के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है, उसकी साइकी को समझना होता है। हमने कहना है हमेशा वुई का वर्ड यूज करें, वुई, हम आ जाए हम आपका वेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं कहना आ जाए मैं आपका वेट करता हूँ या जाओ तुम अपना वेट करके आओ, ऐसा नहीं बोलना। आपने जो आपके असिस्टेंट हो तो वो बहुत अच्छी बात है आपके साथ, तो वो आप उनसे कहिएगा आप जी इनका वेट कर लें, आए जी हम आपका वेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वेट पर जब, वेट मशीन पर जब आपका क्लाइंट खड़ा हो, फिर यहाँ पर हर चीज, ईच एंड एवरी थिंग का ख्याल रखना होता है, एक्यूरेसी का ख्याल रखना होता है। अब आपके पास ये ख्याल भी रखना है कि आप, आपके क्लाइंट ने शूज नहीं पहने हुए हों, अगर सर्दी है तो जो है उसने हैवी क्लोथ ना पहने हुए, कोई जर्सी ना पहनी हुई हो, कोई मोबाइल फोन ना उठाया हुआ हाथ में, कोई भारी घड़ी ना पहनी हुई हो, तो आपने कहना है जी आप वेट मशीन पर खड़े हो जाएं, बिल्कुल सामने दीवार की तरफ देखें। आपका क्लाइंट यहाँ पर क्या गलती करता है, वो नीचे देखना शुरू कर देता है स्क्रीन की तरफ, नीचे नहीं देखना, वो एरर आ जाता है, ठीक है, तो वो एक्यूरेट नहीं आता वेट पे, बिल्कुल सामने दीवार की तरफ उनसे कहिएगा कि आप अच्छा जब वेट कर रहे हो ना उनके साथ बोलते रहें, अच्छा जी जैन साहब आप इस वेट मशीन पर खड़े हो जाएं, अपना मोबाइल आपके पास है या घड़ी है तो वो उतार के साइड पे रख दें, बिल्कुल स्ट्रेट सामने दीवार की तरफ देखें, आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपकी लेग्स के साथ मिले हुए हों, इस तरह से मिलकर बातें करते रहने आप क्लाइंट के साथ। फिर उसको ये आइडिया होगा अच्छा ये मेरे साथ सिंसियर है, डाइटिशियन जो है और मुझे अच्छे से गाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने मिलाकर अपने क्लाइंट की साइकी को चेंज करना होता है उनकी, यही तो बेसिकली काउंसलिंग है। काउंसलिंग और किस चीज़ को कहते हैं, क्लाइंट को हमने एतमाद में लेना होता है कि हम आपको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, अच्छा डील कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो आपका डाइट प्लान फॉलो भी करेगा, 10 और बंदों को भी आपके पास रेफर करेगा। वेट आपने चेक कर लिया इसी अस्ना में, वेट आपने राइट अप कर लिया, हर चीज उसकी देख ली, हाइट वगैरह, उसके बाद आपने उनसे आप पूछते हैं अच्छा जी कैसे आना हुआ आपका हमारे पास, वो फिर क्लाइंट खुद बताना शुरू करता है जी मेरा वेट काफी ज्यादा है, या मुझे डायबिटीज है, मुझे हाइपरटेंशन का इश्यू है, या मुझे यूरिक एसिड का इश्यू है। तो हम दूसरी चीज फिर क्या आएगी, हम उनसे क्या करेंगे कि जो है उसकी रिपोर्ट्स वगैरह मांगेंगे ना, अच्छा जी आपके पास कोई ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह है तो वो आप मुझे दिखा दे। अब यहाँ पे हमारा बेसिकली सेशन के कैटेगरीज स्टार्ट होती हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है काउंसलिंग सेशन क्लाइंट के साथ, तो वो चार चीज़ों पर बेसिकली कंसिस्ट करता है। पहली चीज़ क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू सेशन। मैं व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ, आप पॉइंट्स लिखते जाइएगा। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन टू सेशन। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली सबसे पहले क्या क्या चीज आ जाती है, आपने उस अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है क्लाइंट को, अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने इंट्रोडक्शन के बाद मीन के उनका इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है। पेशेंट या क्लाइंट, हमारे पेशेंट नहीं होते, हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स का इंट्रोडक्शन लेना है आपने, ठीक है, आप कहाँ से हैं, आप क्या जॉब करते हैं, ठीक है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो, ठीक है, इस तरह से। फिर देन हमने क्या करना है, फिर उस क्लाइंट की कंडीशन देखकर उसके साइन एंड सिम्टम्स हमें नजर आ रहे होते हैं कि ये किस चीज़ का पेशेंट है, आखिर उसको इश्यू क्या है, हम उसकी जो फिजिकल अपेयरेंस देख के ना हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। फिर हम कहेंगे जी अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई प्रीवियस क्लिनिकल रिकॉर्ड्स हैं या लैब रिपोर्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, वो आपने पूछनी है। ये पहला जो है सेशन का ना पार्ट है, प्रीवियस क्लिनिकल या लैब रिपोर्ट्स।
ये हैं आपके पास तो ये दिखा दे मुझे, ठीक है। वो आपको ये रिपोर्ट्स आप अपनी दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उससे फूड रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछनी है। अच्छा जी, ये ऐसा नहीं करना कि वो आपको जो अपनी रिपोर्ट्स दिखाए और आप उसको घंटा पढ़ना शुरू कर दो और चुप करके पढ़ो। इसी मतलब क्लाइंट को तो आपने चुप रखना ही नहीं है, आपने बोलते रहना है, बोलते ये रिपोर्ट्स भी देखते रहे, थोड़ा क्लाइंट की तरफ देख लिया, थोड़ा रिपोर्ट्स की तरफ देख लिया, उसे एक सवाल पूछा, दो सवाल पूछे, मीन के क्वेश्चंस आपने पूछने हैं उनसे, ठीक है। क्वेश्चंस जब तक नहीं पूछोगे, चुप करके बैठे रहोगे ना आप, फिर वो क्या क्या होगा, आप उसका डाइट प्लान एक्यूरेट नहीं बना सकोगे, ठीक है। देन आपने क्या पूछना है, उसकी फूड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फूड रिलेटेड इंफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, कोई फूड एलर्जी तो नहीं है, पहला पहला सवाल आपका यही होना चाहिए जब फूड रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो। आपको किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, तो ये आपने पूछना है। या आप फिर आपने क्या पूछना है, मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में, क्योंकि आप उसकी जो है लैब रिपोर्ट्स वगैरह देख रहे होते हैं। देन आपने पूछना है, अच्छा आप ना मुझे ये बताएं कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कब से ये मेडिसिन ले रहे हैं, फिर आपने ये पूछना है। फिर आपने क्या करना है, आपने उस पेशेंट को ये बताना है कि अच्छा मैंने ये सारा आपका डाटा चेक किया है। अच्छा साथ में आपने क्या पूछना है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसका फूड हिस्ट्री, उसकी डाइटरी हिस्ट्री, उसकी डाइटरी हिस्ट्री आपने पूछनी है कि आप क्या खाते हैं। चौबीस पहले तो पूछना है अपने 24 घंटे, 24 घंटे में आप क्या खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो हर चीज बताएगा। आपको आइडिया हो रहा होगा इस चीज से कि अच्छा जी ये इतने फ्रूट्स ले रहा है या वेजिटेबल्स ले रहा है या फ्रूट्स ले ही नहीं रहा, मिल्क ले ही नहीं रहा इस तरह से ना, और चपाती ले रहा है तो वो कौन से आटे की, बाजारी आटा खा रहा है या ये चक्की का आटा खा रहा है या होल जो व्हीट फ्लोर है वो खा रहा है, चावल कब खा रहा है, कितने खा रहा है। फिर आपने क्या उससे पूछना है, अब पहले तो 24 आवर्स डायरी निकाल लेना है, फिर आपने उसे वीकली बेसिस का पूछना है, पर वीक आप राइस कितने कंज्यूम करते हो, कितने दिन, एक हफ्ते में। फिर आपने उसे पूछना है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप नान वगैरह तो नहीं खाते। फिर आपने ये पूछ, मीन के जो ईच एंड एवरी थिंग जो हमारी डाइटरी हिस्ट्री में आती है वो आपने उससे पूछनी है। फिर आपने पूछना है आप आपकी वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या है पर डे, ठीक है, एक दिन में आप कितना पानी पी लेते हैं, कितने ग्लासेस पानी पीते हैं। फिर आपने ये पूछना है आप फास्ट फूड पर वीक कितना खाते हैं, ये जो राइस फास्ट फूड ये पर वीक हम पूछते हैं, कोला ड्रिंक्स तो नहीं पूछते आप, बेवरेजेस कौन सी लेते हैं, ठीक है, पर वीक आप कितनी लेते हैं, पर वीक आप फास्ट फूड कितने लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ना जो क्लाइंट है वो थोड़ा सा झूठ बोल रहा होता है, थोड़ा सा ना इधर उधर अपने आप को कोशिश करता है, लेकिन फिर हमें पकड़ना होता है उसको, ठीक है। आप कैसे उगलवाएंगे कि वो जो है आपसे, एक बंदा वो खा रहा होगा ये चीजें, फास्ट फूड खा रहा होगा, ले रहा होगा, तो जब आप उससे पूछेंगे आप फास्ट फूड ले रहे हो कि नहीं हफ्ते में, वो कहेगा नहीं मैं तो महीने में लेता हूँ 1 से 2 बार। फिर आप मुझे बताएं, आप मुझे मेरे साथ कोई शेयर करें आइडिया अपना, कैसे आप उसे कहेंगे, कैसे उसकी उसकी बात उगलवाएंगे आप, थोड़ा सा आप मुझे आइडिया दें कोई सोच के, फिर मैं बताता हूँ आपको। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बातें समझ आ रही है वैसे? आउटिंग के बारे में पूछूंगी। अच्छा ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ लग रहा है कुछ के नहीं? जी सही अगर समझ आ हम, रहा है। जी, अगर हम उसको ये बोलें कि फास्ट फूड खाना कोई इतना बुरा नहीं है, हम लोग भी कंज्यूम करते हैं, आप भी लेते होंगे, इस तरह करके अगर हम उसको कन्वेंस करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि वो हमें बता दे। अच्छा यहाँ पर एक बात आपने हम बड़ी लोग भी अच्छी कही है। कंज्यूम कर लेते हैं कभी-कभी, कोई बात नहीं, आप बता दें, इस तरह करके। नहीं, अच्छा ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, एक यहाँ पर आपकी बात के ना दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कि फास्ट फूड खाना नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले मुझे लगा ऐसा कहना, पता है क्या, जब उनको ना, उनको तो अब हमने नहीं बताना अच्छा पकड़े गए, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना हम बाद में, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमने उनको कहा ना कि हम भी लेते हैं, तो वो कहेंगे अच्छा ये खुद तो ये चीज ले रहे हैं और हमें इससे मना करेंगे, वो ना अपने जहन में ये बात बिठा लेगा, अच्छा ये तो खुद भी डाइटिशियन ने कहा था मैं खाता हूँ, कोई नहीं मैं बाद में। अच्छा क्योंकि ये चीज तब होती कि जब हम उनको कहते ओ मैंने पकड़ लिया तुम्हें, तुमने झूठ बोला था, ऐसा तो नहीं ना कहना हमने, ठीक है। और ये भी नहीं कह सकते हमको ये फास्ट फूड अच्छी चीज है, तो ये थोड़ा हट जाएगा हमारी ना बात से। अगर कोई हमारा फ्रेंड हो तो उसको तो हम कह सकते हैं ना कि तुम पकड़े गए, तुमने झूठ बोला। कोई और बताएं? सर, मैं बताऊं जी जी बताएं। जी, हम उनसे ये पूछेंगे कि आपकी आउटसाइड ईटिंग कितनी होती है,
दिस इज अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन कि आपकी आउटसाइड ईटिंग हफ्ते में कितनी दफा होती है या वीक में कितनी दफा बाहर खाते हैं या आउटसाइड डिनर्स कितने होते हैं या फास्ट फूड ईटिंग कितनी होती है. आउटसाइड ईटिंग इज बेसिकली डिसेंट क्वेश्चन ना, तो उसमें हर चीज ही आ जाती है. यस यू आर राइट, बिकॉज़ एवरीवन नोस के क्या चीज सही है और क्या चीज गलत. लोगों को पता सब कुछ है, उनको खुद भी ये बात मालूम होती है कि वो क्या सही खा रहे हैं क्या गलत खा रहे हैं. या ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा हफ्ते में कितनी दफा ऑयली स्टफ बहुत ज्यादा मतलब कितनी दफा हो जाता है, ऑयली फूड कितनी दफा हो जाता है, यू नो समथिंग ऑन दोस नाइट्स. या दैट्स वेरी नाइस बेसिकली. अच्छा मेरा पता है इस बारे में क्या है कॉन्सेप्ट. मैं अपने अगर कोई बॉयज आ जाए ना मेरे पास, ठीक है, क्लाइंट्स, मैं उनसे कहता हूँ अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपके फ्रेंड्स होंगे. वो कहते हैं जी मेरे फ्रेंड्स हैं. तो मैं उनसे ये नहीं पूछता कि आपकी आउटसाइड ईटिंग कितनी है, आउटसाइड ईटिंग. मैं उनसे ये कहता हूँ अच्छा आप फ्रेंड्स के साथ कितना एक हफ्ते में जो है आउटिंग पर जाते हो. तो वो कहता है जी मैं तो 3-4 दिन जाता हूँ. मीन के या वो कहेंगे हमारे जो मोस्टली हॉस्टलाइट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि जी हम तो रोज़ाना जो है बाहर जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ रात को आउटिंग के लिए. तो जाहिर सी बात है जो बंदा रात के टाइम जा रहा है शाम के टाइम आउटिंग पे जा रहा है, अल्टीमेटली उसने बाहर से ऑयली स्टफ खाना है, फास्ट फूड्स उसने खाने ही खाने हैं, ठीक है. फिर आपको थोड़ा सा यहाँ से आइडिया हो जाएगा अच्छा इसकी सेहत भी बता रही है 3-4 दिन बाहर जाता है हफ्ते में, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ. तो इस यहाँ से भी हमने समझ लेना है. दूसरी चीज जो गर्ल्स हों उनसे मैं ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता हूँ अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपकी फ्रेंड्स होंगी. वो कहते हैं जी मेरी फ्रेंड्स हैं. फिर मैं उनसे कहता हूँ अच्छा मुझे ये बताएं कि आप यूनिवर्सिटी में कैफे जाती हैं एक हफ्ते में कितनी बार चली. वो कहेंगे हम रोजाना जाती हैं. अल्टीमेटली कैफे पर वो क्या खाएंगी जाके, वहाँ पे रोटी सालन तो अवेलेबल होता नहीं है, ना ही को वो फ्रूट्स खाने जाती हैं, समोसे पकौड़े ये पिज्जे शवारमे बर्गर यही चीज़ें कंज्यूम करती हैं. अल्टीमेटली इन दोनों बातों से हम उससे जो है पकड़ लेंगे कि जी ये खाता है फास्ट फूड लेता है, इसकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो अच्छी नहीं है, ठीक है. इस तरह के कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के ना आपने पूछने होते ताकि दूसरे को बुरा भी ना लगे और आपको सच बात भी पता चल जाए, ठीक है. तो ये था हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था. सेकेंड पार्ट में हम आते हैं. सेकेंड पार्ट का जो होता है हमारा, जिसको हमने डिवाइड किया है काउंसलिंग सेशन को, वो होता है कंटेंट ऑफ द सेशन. क्योंकि हमने अपने क्लाइंट को भी साथ के साथ लेके चलना होता है. चैट पढ़ लेते हैं हम. हाँ जी ये चीज जो है हमारे प्रोसेस फॉलोअर्ड में आती है. थर्ड पॉइंट है ना वो हमारा, वो उसमें मैं आता हूँ फहद. जो सेकंड पॉइंट है वो होता है कंटेंट्स. सेशन के कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है. ये नहीं करना कि आपने ये पेज पे चारों ये कंटेंट्स डब्बे बना के लिख लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना. ये आपके लिए आपने इसको जब आप प्रैक्टिस में आते हैं ना, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तब ये सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग आपको आइडिया हो रही होती है, ठीक है. एक जैसे जाहिर सी बात है जब आप फ्रेश होंगे, फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे या फ्रेश आपका क्लिनिकल सेटअप होगा, तब थोड़ा मतलब 2-3 क्लाइंट्स पर थोड़ा मुश्किल होगी आपको, ठीक है. बाद में आप बहुत मतलब इजी फील करेंगे, बहुत लाइट सा फील करेंगे, ये सारी चीजें आपको पहले से आइडिया होंगी. तो कंटेंट्स में आपका क्या चीज आ जाती है कि आपने अपने क्लाइंट को ये सारी चीजें, उसकी आपने लैब रिपोर्ट चेक कर ली, उसकी डाइटरी हिस्ट्री देख ली, उसकी जो है फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स देख ली, वो दिन में पानी कितना पीता है या दूसरे फ्लूइड्स कितने ले रहा है, और उसकी जो डाइटरी हैबिट्स है वो अच्छी हैं कि बैड हैं. तो ये सारी चीजों से और उसकी आपने क्लिनिकल रिकॉर्ड से ये लैब डाटा से ये आपने इंटरप्रेट कर लिया कि इसको ये डिजीज है. फिर आपने, आपको तो पता है इसको, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, तो हमने कहना है लो कार्ब्स डाइट लेनी है आपने या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, ये चीज़ कम करनी है. तो उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो हमने कहना है जी आपने फैट कम लेना है. तो अब हम उसको ये बताएंगे कि जी आपका जो न्यूट्रिशनल थेरापी है, आपकी ये जो हम न्यूट्रिशनल थेरापी करेंगे, ये जो भी चीज़ हम कम देंगे, जो चीज़ ज़्यादा देंगे, तो उसका बेसिकली पर्पज क्या है, ठीक है. उस क्लाइंट को ये चीज़ हमने समझानी है. जब तक हम अपने क्लाइंट को ये बात नहीं समझाएंगे वो फॉलो नहीं करेगा. वो उसके जहन में एक कन्फ्यूजन से होगी, अच्छा ये मुझे ये क्यों कम दे रहे हैं, ये ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, ठीक है. ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लाइंट को समझानी होती है. पर्पस ऑफ न्यूट्रिशनल थेरापी, आपकी आप क्लाइंट को बताएंगे मैं ये चीज़ आपकी डाइट में कम कर रहा हूँ तो क्यों कम कर रहा हूँ, ये चीज़ ज़्यादा कर रहा हूँ तो क्यों ज़्यादा कर रहा हूँ. हमारे सेशन को 10 मिनट्स रिमेनिंग है तो फौरन से आपने
ज्वाइन कर लेना फॉर जब तक हमारा सेशन चलेगा. मैं अक्सर कहता हूँ 40 मिनट से ज्यादा सेशन नहीं होगा हमारा, बट पता ही नहीं चलता वो टाइम गुजर जाता है. फिर सेकंड थिंग, आपने उनको ये बताना, ये बता दिया उनको आपने हर चीज की रीजन बता दी, ठीक है. फिर आपने उनको ये बताना है कि इसका ड्यूरेशन कितना होगा, ठीक है, ड्यूरेशन कितना होगा. हम ये जो आपको डाइट प्लान दे रहे हैं या आपकी न्यूट्रिशनल थेरापी चल रही है, डाइट थेरापी चल रही है, उसका ड्यूरेशन कितना होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई PCOS की क्लाइंट हमारे पास आती है तो हम उनसे कहेंगे जी आप 3 मंथ ये आपकी सीड साइक्लिंग चलेगी. हमने हर हर क्लाइंट को पहले ही बताना होता है कि ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दी, ठीक है, हमने हर क्लाइंट को उनकी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बताना होता है, ये जो डाइट प्लान है आपका इतना अर्सा चलेगा, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डाइट थेरापी. सेकेंड चीज ये होगी. फिर हमने उनको ये बताना है कि अच्छा आप ये जो फूड ले रहे हो इसका इफेक्ट कितना है, कितने अरसे के बाद इसका इफेक्ट शो होगा. क्योंकि कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, अच्छा एक क्लाइंट था तो मुझे अच्छी तरह से याद है, हाइट ना, हाइट इंक्रीज करने के लिए वो हमने उनको बताया, डाइट प्लान दिया, फिर अल्टीमेट 1 हफ्ते के बाद वो वापस आया, मेरा तो कद बढ़ा ही नहीं है, मैं तो रोजाना चेक करता हूँ. अब बताएं 1 हफ्ते के अंदर कद बढ़ता है, और वो क्लाइंट की एज कितनी थी, 18 to 19 ईयर थी, तब तक तो जाके 20 ईयर के बाद बढ़ता ही नहीं है ना आपकी हाइट, बढ़ेगी तो मतलब बहुत माइन्यूट सी, मेरे ख्याल में बढ़ती ही नहीं है, ठीक है, जो भी एक्सर बस माइन्यूट सी, 19 ईयर उसकी जो है एज है. फिर 1 हफ्ते के बाद वो आके कह रहे हैं मेरी तो कद नहीं बढ़ी, मेरी तो हाइट में इजाफा हुआ ही नहीं है. इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने बतानी है कि हमारा जो, अच्छा कुछ क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं 1 हफ्ते के बाद मेरी शादी है, 1 महीने के बाद मेरी शादी है, मेरा वजन 20 किलो कम करवा दें, ठीक है, ऐसे आते हैं, फीमेल्स आती हैं. तो आपने उनको ये कहना है कि वी आर नॉट मैजिशियंस एंड वी डोंट हैव एनी मैजिक स्टिक, हम ना ही जादूगर हैं ना ही हमारे पास कोई जादू की छड़ी है. जो हम आपको डाइट प्लान देंगे अच्छे से प्यार से समझाएं, इसके साथ टाइम लगता है. फिर कोई जो 20% आते हैं ना, वो अल्टीमेटली उनको बड़ी टेंशन होती है और वो गुस्सा भी जल्दी उनको आ जाता है. वो कह रहे होते हैं कि जी हमें ऐसा डाइट प्लान दें 1 महीने के अंदर हम बहुत ही मतलब स्मार्ट बन जाएं. उनको हमने फिर पता है किस तरह से टैकल करना है, प्यार प्यार से ना, बड़े मीठे मीठे से थोड़ी कर देनी है उनकी बेइज्जती, वो खुद फील करेंगे. वो इस तरह से हमने उनको कहना, अच्छा जी ये बताएं जो आपके ना ये थोड़ा डीप होते हैं ना कुछ लोग, वो मतलब उनको जितना भी आप समझा लें कि जी आपका नहीं हो सकता 1 महीने में इतना कम, फिर भी वो आपसे बहस करेंगे, अच्छा जी हमें मेडिसिन दे दें. ऐसे लोगों के साथ पता है कैसे टैकल करना होता है, ऐसे लोगों को कहना होता है अच्छा ये बताएं आपका ये जो इतना वेट गेन हुआ है कितने अरसे में हुआ है. वो कहेगा मेरा तो 3-4 साल पहले तो मैं ठीक था, 3-4 साल के बाद अब मेरी ये हालत हुई है. फिर आप कहें अच्छा मुझे बताएं आपने 3-4 साल जितना आपकी मर्जी थी, जो मर्जी खाया पिया, कोई एक्टिविटी नहीं किया, मुझे बताएं 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर मैं कैसे कम करवा दूं आपका वेट. फिर उसको थोड़ा समझ जाएगा, अच्छा ये नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है. इसका मतलब जो हमने उसको क्या बताना है, हमने उसको ये कहना है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर फूड, इट विल टेक फॉर फूड टू शो इट्स इफेक्ट. ये जो फूड हम आपको दे रहे हैं कितने अरसे के बाद ये अपने इफेक्ट दिखाएगा. क्योंकि जो फूड्स होते हैं या हर्ब्स होती हैं बेसिकली उनका जो इफेक्ट होता है वो थोड़े अरसे के बाद शो होता है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग होता है. जो मेडिसिन होती हैं उनका इफेक्ट फौरन से शो होता है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती. मैं ये इरेज कर दूं, लिख लिया आप सबने? जी सर. ओके, फिर आपने क्या करना है उनके साथ, साइड इफेक्ट्स डिस्कस करने हैं. अच्छा आप सोच रहे हैं साइड इफेक्ट्स किस चीज के, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लाइंट को अच्छा ये ना जब आप क्लाइंट को डाइट प्लान दे रहे हो हर चीज का आपने ख्याल रखना होता है. आपने उस जो आप फूड दे रहे हो उसकी अमाउंट, उसकी सर्विंग, उसकी जो है प्रिपेरेशन मेथड, कौन सा ऑयल यूज करना है, कितना करना है, ये सारी चीजें आपने बतानी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन आपके पास आया ना, आप उसको बताते हो जी ये मैं आपको एप्पल दे रहा हूँ, अगर रोजाना एक एप्पल खाओगे इतने ज्यादा इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट आपको मिलेंगे, मिनरल्स, विटामिन, ये मिलेंगी चीजें आपको. फिर वो क्या करेगा, एक की बजाय अगर वो 20% है, एक की बजाय वो 2 एप्पल खा लेगा, अच्छा इसके तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे जो है बेनिफिट्स मिल रहे हैं. आपने उसको अच्छे से गाइड करना है, लाइक एक एप्पल जो है ना आपका वो मीडियम साइज 60 किलो कैलोरीज देगा आपको. अगर आपने 2 एप्पल खा लिए ना,
एप्पल खाए तो 120 किलो कैलोरीज मिलेंगी। अब आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है ना कि किलो कैलोरीज की, इसलिए आपने जितना मैं आपको बताऊं उतना ही खाना है, ना उसे कम खाएं ना उसे ज्यादा खाएं। इस तरह से आपने ये सारी चीजें बतानी होती है। फिर आप कहेंगे ज्यादा कैलोरीज लेंगे तो वो आपके इन द फॉर्म ऑफ फैट डिपॉजिट्स हो जाएंगे, या फिर आपने ये बताना है कि ये जो फूड मैं आपको इससे बता रहा हूँ ना ये आपने खाने हैं, इनके बेनिफिट्स हैं। अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है हमने उसको कहना है आपने नमक नहीं यूज करना, अगर आपने नमक यूज किया तो आपकी कंडीशन सीवियर हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। इस तरह से हर हर फूड के जो मीन के फूड अलाउड एंड फूड नॉट अलाउड यहाँ पर चीज आ जाती है कि ये जो हम फूड अलाउ कर रहे हैं आपको ये आपने खाने हैं इसके ये इफेक्ट्स हैं, ये फूड नहीं खाने इनके ये साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये चीज भी यहाँ पर आ जाती है। फिर आपने उसको ये बताना है फूड ड्रग इंटरेक्शंस या न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शंस। अब ये क्या चीज होती है, मोस्टली यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी हैं, फोर्थ के भी हैं, आपका एक सब्जेक्ट आएगा फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शंस का एक पूरा सब्जेक्ट होगा आपका, तब आप वहां पर जाके पढ़ेंगे। उसमें ये आप पढ़ेंगे कि कौन से फूड में ऐसा न्यूट्रिएंट है जो ये ड्रग, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने उसकी शुरू में क्लिनिकल रिकॉर्ड लैब डाटा ले लिया, उसकी मेडिकल रिकॉर्ड भी पूछ लिया, मेडिसिन भी पूछ ली कौन कौन सी मेडिसिन जी ये ले रहा है। फिर हमें इस चीज पर भी कमांड होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए ये जो मेडिसिन ले रहा है इस टाइम ले रहा है उसके साथ कोई ऐसा फूड तो नहीं ले रहा कि जिसके साथ इसके इंटरेक्शन हो जाए और ड्रग की या न्यूट्रिएंट की बायो अवेलेबिलिटी बॉडी में कम हो जाए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एंटीबायोटिक्स आप कोई ले रहा है उसके साथ मिल्क नहीं दे सकते आप, एंटीबायोटिक्स के साथ हमेशा पानी दिया जाता है और वो भी बहुत ज्यादा पानी, अच्छा खासा, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली मिल्क में कैल्शियम होता है जो कि आपकी एंटीबायोटिक्स होती है उनके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और आपकी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देता है बॉडी में, ठीक है, इसलिए वो पानी के साथ लेनी चाहिए और पानी भी अच्छा खासा पीना चाहिए उसके साथ। तो इस तरह से ये कुछ चीजें ड्रग्स और न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट के भी इंटरेक्शन होते हैं, वो चीजें हमने उनको क्लियर करनी होती हैं कि ये चीज ये जो ड्रग है ये पानी के साथ ये मेडिसिन लेनी है, ये मेडिसिन दूध के साथ लेनी है, या इस तरह से जो भी फर्दर मेडिसिन वगैरह हों। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड थिंग आती है वो हमारे पास आती है प्रोसेस फॉलोड। आप कैसा जो है प्रोसेस लेंगे उसको फॉलो करने के लिए ना, थर्ड थिंग वो ये आती है कि आपने पहले पहले क्या करना है, क्लाइंट को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ये चीज ये सारे जो कंटेंट्स ना ये आपके लिए आपके याद ध्यानी के लिए, ठीक है, आपने अपने क्लाइंट को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इन सेंस के आपको अगर कोई चीज क्लियर नहीं है ना आप उसके बारे में पहले स्टडी करें फिर उसको क्लाइंट को बताएं। ऐसा नहीं करना कि आप उस बारे में खुद कंफ्यूज हैं, अच्छा वो फूड जो था इस डिजीज में देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था या कितनी अमाउंट में देना चाहिए था, अच्छा वो जो रेसिपी थी या वो रेमेडी मुझे याद अच्छी तरह से, हम खुद सोच रहे होते हैं ना बहुत सारी चीजें माइंड में होती है, अच्छा वो बंदा खुद भी कंफ्यूज होता है ऐसी चीजों में ना कई बार कि अच्छा वो जो रेमेडी है इस कंडीशन की इस पेशेंट के हिसाब से मुझे इसे रिकमेंड करनी चाहिए या नहीं। ऐसा फिर आपने कहते हैं चलें अच्छा लिख देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, एक्यूरेट उसको डाइट प्लान बना के देना है। आपके जो भी कंफ्यूजन हो आप उससे कहे ये मेरा कार्ड है आप मेरे साथ शाम में कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगा या एक रेमेडी बताऊंगा वो आपने फिर वो भी फॉलो करनी होगी। इस तरह से आप कर सकते हो, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, इंसान है हम, कोई कंप्यूटर थोड़ी है कि हर चीज़ हम याद रखें या कोई फीड कर लें अपने माइंड में, ठीक है, इस बारे में कोई परेशान होने वाली बात भी नहीं होती। उसके बाद जो फहद ने हमें मैसेज में बताया था चैट में कि लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट हमारे पास पंजाबी में बात कर रहा है ना हमने उससे पंजाबी में बात करनी है, कोई उर्दू में बात कर रहा है तो उर्दू में बात करेंगे, सराइकी में बात कर रहे हैं तो सराइकी में। अच्छा इस तरह से भी नहीं कि हर किसी से उसकी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेल एजुकेटेड होते हैं वो तो आपके साथ आते ही उर्दू बोलेंगे, बट कुछ लोग आप जब वार्ड विजिट करते हो ना वार्ड में मोस्टली ये चीज होती है सरकारी अस्पताल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं वहां पर ये हमें चीज देखने को मिलती है, वहां पर बुजुर्ग लोग होते हैं ना तो वो बीमार ज्यादा होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज में ना वो जब एडमिट होते हैं हम उनसे जब डाटा हिस्ट्री लेने जाते हैं ना वो फिर उनको उर्दू समझ ही नहीं आती, या वो पंजाबी बोलेंगे होंगे तो पंजाबी बोलेंगे, सराइकी में बात कर रहे होंगे या इस तरह से, फिर हमने उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करनी है,